नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। मध्य प्रदेश में माननीयों की सुरक्षा खतरे में डाली जा रही है। आउटसोर्सेस से वाहन चालकों की भर्ती पर यह चिंता जताते हुए स्टेट गैरेज के कर्मचारियों और वाहन चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 23 मार्च की इस हड़ताल के चलते सभी VIP वाहनों के पहिए थम जाएंगे। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने माननीयों यानी प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और आला अफसरों के साथ ही केंद्र से आए मंत्रियों की सुरक्षा के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि स्टेट गैरेज में आउटसोर्सेस शुरू की जा रही है, इससे बाहरी वाहन चालकों को लिया जाएगा। उन्हें ना तो माननीयों के हिसाब से ड्राइविंग का अनुभव है और ना ही बाहरी ड्राइवरों से उनकी सुरक्षा और गोपनीयता रखी जा सकती है। VIPों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए इस विभाग के जो प्रमुख हैं, विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनने एक निर्णय लिया है कि अब इस विभाग में आउटसोर्सिंग यानी ठेकेदारी प्रथा से वाहन चालकों की भर्ती की जाएगी। वाहन चालकों का कहना है कि स्टेट गैरेज के अभी करीब 70 वाहन चालक फ्री बैठे हैं, उनसे काम लिया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह बाहरी ड्राइवर लिए जा रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने तो इसके चलते सीधे कमीशन खोरी का आरोप मढ़ दिया है। ये वाहन चालक संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि स्टेट गैरेज में ठेकेदारी प्रथा या आउटसोर्स के माध्यम से वाहन चालक भरे जाए। हमारा शासन को कई बार हमने पत्र भेजा, पत्र व्यवहार के माध्यम से हमने कहा है कि भोपाल जिले में ही कम से कम 70 वाहन चालक अतिशेष और कंडम घोषित हुए हैं, ऐसे वाहन चालक बैठे हुए हैं, उनको इनमें रखा जाए जिससे शासन का किसी प्रकार का व्यय नहीं लग रहा। लेकिन कमीशन खोरी को जारी रखने के लिए स्टेट गैरेज जैसी संस्था में आउटसोर्स को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और ठेकेदारी प्रथा से वाहन चालक रखे जा रहे हैं। स्टेट गैरेज से मंत्रियों और प्रदेश में आए केंद्रीय मंत्रियों को वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी तक इस काम के लिए बाहरी ड्राइवरों की सेवाएं नहीं ली गई हैं, लेकिन अब इस बारे में आदेश हो गया है। सरकारी वाहन चालकों ने उन्हें काफिले के हिसाब से अनुभवहीन बताते हुए माननीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और आगामी 23 मार्च हड़ताल के चलते सभी माननीयों के वाहनों के पहिए जाम करने की चेतावनी भी दी है। भोपाल से न्यूज आज की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।